तो आज बनाने वाले हैं मटर पनीर। तो ये आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स, पनीर, मटर, प्याज है, जीरा, लहसुन, अदरक और टमाटर को मैंने ग्राइंड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास नमक है, हल्दी है, जीरा पाउडर है और धनिया पाउडर है। तो अब शुरू करते हैं बनाना। तो आप ये रेसिपी स्टार्ट करने के लिए पहले, अगर आप घी में बनाना चाहते हैं, घी ऑयल डालना चाहते हैं ऑयल, और उसके बाद सबसे पहले जीरा डालिए, और उसके बाद इसमें ऐड किया है कड़ी पत्ता, और अब ये प्याज और हरी मिर्च, और साथ में ये जो लहसुन काटा हुआ है, तो इसे आप अच्छे से चलाते रहिए जब तक ये थोड़ा सा पक नहीं जाता है। यार रेसिपी वीडियोस बनाए नहीं है कभी, पहली बार बनाया हूँ, लेकिन पता नहीं, ठीक है कोशिश करते हैं। अक्सर खाना तो बनाते ही हैं, डाउन का टाइम है, बैठे बैठे तो कोशिश कर रहे हैं कुछ कुछ नया करें, लेट्स सी क्या बनता है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं हेल्दी नाश्ता जो अक्सर मैं बनाता रहता हूँ उसके बारे में वीडियोज़ बनाना और बताना कि क्या उसकी रेसिपी है। बहुत छोटे छोटे से ऑप्शन हैं यार, हेल्दी खाना खाना चाहो तो बहुत ईजीली बना सकते हो आप। तो अब ये हो गया है प्याज, और अब इसमें ऐड करते हैं हम हल्दी, फिर इसमें हमने डाला है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक अभी नहीं डालेंगे यार, नमक जो है वो बाद में ऐड करेंगे, पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, और मसाला जो है वो बढ़िया से भून लेते हैं। यार आप लोग सोच रहे होंगे मैं खुद तो बना नहीं रहा हूँ लेकिन आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन हाँ यार ऑब्वियसली वीडियो मैं ही शूट कर रहा हूँ और सारी चीज़ें पता है मुझे। अब ये देखो टमाटर जो मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने अदरक जो है वो काट के ग्राइंड कर लिया था पहले ही, तो अब ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया, बढ़िया दिख रहा है ये। वेजिटेरियन खाने की बात करूँ तो वैसे भी यार पनीर मेरा बहुत फेवरेट वाली चीज़ है, क्योंकि वेजिटेरियन खाने में ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं हैं, तो मुझे पसंद है यार कि पनीर अक्सर बना हो तो बढ़िया है। पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, आप खा सकते हो उसके अंदर, थोड़ा सा प्रोटीन रिच डाइट हो तो अच्छा है। अभी क्या है, नॉनवेज मुझे बहुत पसंद है लेकिन घर पे नॉनवेज बनता नहीं, तो इसलिए घर पे वेजिटेरियन ऑप्शन ढूंढ के जो अच्छा खाना और जो हेल्दी खा सकते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो, वो पनीर ही बचता है। तो ठीक पनीर खा ले रहे हैं, और इसी बहाने थोड़ा सा रेसिपी इस पर भी काम हो जाएगा। बड़ा मुश्किल है यार एक हाथ से कैमरा पकड़ना और दूसरे हाथ से सब्जी चलाना, लेकिन ठीक है मैनेज हो जाता है। अब इसमें नमक ऐड कर देते हैं, तो ये अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मटर। पनीर को अक्सर एंड में ऐड करते हैं क्योंकि उसे ज़्यादा फ्राई करोगे तो उसका टेस्ट भी चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और अब आप इसको 2 मिनट के लिए भून लीजिए ताकि जो मसाला है वो भी थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा, और इसमें जो आपने मटर डाले हैं वो भी बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे। और अब ये इसमें डाल दिया पानी, पानी इसमें थोड़ा डाला है इसलिए बिकॉज अभी जैसे प्याज बहुत ज़्यादा जब भुन जाता है ना, तो अगर उसमें पानी नहीं डालोगे तो वो नीचे लग जाएगा, और दूसरा जो है मटर को हमने इसमें डाले हुए हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसे कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी आराम से भुनने देते हैं। तो अब ये हो गया, और अब इसमें टाइम आया पनीर ऐड करने का। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था यार पनीर बहुत ज़रूरी है, तो पनीर मुझे पसंद भी है, तो आप देख सकते हो पनीर की क्वांटिटी ज़्यादा है और मटर की क्वांटिटी कम है, तो ऐसे ही खाना पसंद करता हूँ मैं। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आपको मटर और पनीर सेम उसमें रखना है क्वांटिटी में, आप मटर ज़्यादा ऐड कर लीजिए। एक कटोरी पानी और ऐड कर देते हैं, ज़्यादा मुझे रसे वाला
नहीं पसंद जिसके अंदर की पानी की तरह तैर रहा हो, लेकिन हाँ पनीर खाना है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया ताकि हो जाए। अब 5 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं और फिर ये ऑलमोस्ट बनके रेडी हो जाएगा। तो ये जो रेसिपी आपने देखी है ना, ये बहुत सिंपल है यार। इसके अंदर मैंने कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं खास, कुछ भी ऐसा नहीं डाला। जो घर में बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं आप उससे बना सकते हैं, लेकिन हाँ जब आप इसे खाएंगे ना तो नेक्स्ट लेवल टेस्ट होगा। चलो 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट बन गई है यार। इसमें बस हल्का सा गरम मसाला मैंने ऊपर से ऐड किया है, आधा चम्मच बिकॉज़ उसमें जो टमाटर डाला था वो बहुत मीठा कर देगा सब्ज़ी को। और अब ये फ्रेश हरा धनिया जो इसमें आपने ऐड करना है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और सब्ज़ी की अलग ही एक खुशबू हो जाती है। तो अब ये रेडी है मटर पनीर की सब्ज़ी। 10 मिनट के अंदर आप ये सब्ज़ी बना सकते हो। चलो ठीक है यार, ये बन गई है फिर मटर पनीर की सब्ज़ी। इसे मैं खाता हूँ, आप भी बनाइएगा और बताइएगा आपको कैसी लगती है। मिलते हैं फिर आपसे अगली बार दूसरे वीडियो में दूसरी रेसिपी। चलो सी यू, टेक केयर यार, स्टे होम स्टे सेफ।